जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर बैक एक होता है वो लोग इस आसन को ना करें। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उष्ट्रासन के बारे में। उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम कैमल पोज किस तरीके से कर सकते हैं। तो उष्ट्रासन करने के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे, जिसमें हमारे दोनों पैर फोल्डेड और इस तरीके से हम बैठे अपने पैरों के ऊपर। उसके बाद हम अपने घुटनों पर ऊपर की ओर आएंगे। अपने घुटनों पर ऊपर आने के बाद हमारे पैरों में हल्का सा गैप, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर, इस प्रकार अपने घुटनों पर हम आएंगे। हमारे पैर पीछे सीधे, हम अपने एक हाथ को, राइट हैंड को पहले उठाते हुए पूरा ऊपर से घुमाते हुए पीछे की ओर और अपने हील्स को टच करें। दूसरे हाथ को भी उठाते हुए धीरे धीरे पीछे और अपने लेफ्ट हील पर अपने पेट को, अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे। अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटकाएंगे। धीरे धीरे हल्के हल्के सांसों को अंदर भरते हुए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सके आगे से उतना अच्छा है हमारे लिए। और फिर वापस ऊपर। तो उष्ट्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन है हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। उष्ट्रासन से हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे दूर होती है। तो जब हम बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं उष्ट्रासन में, तो ये हमारे वर्टिब्रेस को रिलैक्स करता है, हमारी स्पाइनल नर्व्स को काफी रिलैक्सेशन देता है। बैक एक राउंडेड बैक, जैसे कि कई बार हमारे शोल्डर्स झुक जाते हैं, कई बार स्पाइन झुक जाती है, तो हम झुके हुए से महसूस करते हैं, हमारी बॉडी कर्व हो जाती है, तो इस चीज को भी ये दूर करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर बैक एक होता है वो लोग इस आसन को ना करें। ये हमारे गले के अगले हिस्से को, जब हम अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटकाते हैं, तो ये हमारे गले के हिस्से को पूरा स्ट्रेच करता है। हमारे थायराइड ग्लैंड पे इसका बहुत असर आता है। हमारे गले की जितनी भी परेशानियां हैं उनको भी ये धीरे धीरे दूर करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा आसन उष्ट्रासन आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।